वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। आदरणीय और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का विशेष महिलाओं के प्रति विकास के किए गए कार्यों की सराहना भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश की बहनों ने की। साल 2013-14 में कांग्रेस की सरकार जिसकी मुखिया सोनिया गांधी जी थी, उस सरकार में मात्र पूरे बजट में 98,000 करोड़ ही देश की महिलाओं के लिए इंगित किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2022-23 के बजट में 1,71,000 करोड़ रुपया देश की बहनों के उत्थान के लिए समर्पित कर भाजपा की सभी कार्यकर्ता बहनों का गौरव बढ़ाया है। भारत के प्रशासनिक इतिहास में पहली बार इन 8 वर्षों में 25 करोड़ बहनों का बैंक का खाता खुला। भारत के प्रशासनिक राजनीतिक इतिहास में पहली बार 11 करोड़ गरीब बहनों को शौचालय प्राप्त हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार 10 करोड़ गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत का सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सहारा मिला। और जब वैश्विक महामारी कोरोना ने हिंदुस्तान पर भी विश्व के अन्य देशों की तरह दस्तक दी, तब भारत एकमात्र ऐसा देश बना जिसने 25 महीने 80 करोड़ नागरिकों को घर तक मुफ्त का राशन पहुंचाया। 100 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को मुफ्त की भारत में ही निर्मित वैक्सीन पहुंचाकर नागरिकों के प्राणों को बचाने का मानवीय काम देश के यशस्वी प्रधान सेवक ने किया। आज संगठन की ओर से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के नेतृत्व में हम सब ने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया, उनके प्रति आभार व्यक्त किया। मुझे इस बात की खुशी है कि आज कांग्रेस के नेतृत्व को धरना करने के लिए भी स्मृति ईरानी के चित्र की दरकार पड़ी, कि उनका नेतृत्व इतना खोखला हो गया। चूंकि आधे उनके नेता देश में कब है विदेश में कब है शायद ही उनके कार्यकर्ताओं को ज्ञात हो, कि आज कांग्रेस को धरना करने के लिए भी स्मृति ईरानी के चित्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब राजनीतिक चरित्र देखें तो ये सत्य है कि पेट्रोल में 9 रुपए डीजल में 7 रुपए घटाकर महंगाई का भार जनता पर ना पड़े, इसलिए 1,00,000 करोड़ का बोझ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भारत की सरकार पर रखा। प्रति सिलेंडर 200 रुपए कम, उज्ज्वला की जितनी लाभार्थी बहनें हैं उनको भी ये वरदान भारत सरकार ने दिया। भारत सरकार बार बार, चाहे वो मुफ्त की वैक्सीन हो, मुफ्त राशन हो, अथवा 1,00,000 करोड़ का डीजल पेट्रोल का दाम करके भार अपने सर पे लेना, ये मानवीय काम राष्ट्रहित में करती रहती है। प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस की सरकार दाम अपने प्रदेशों में कम क्यों नहीं करती। मैडम, तरीके से आप जीती हैं, क्या सोशल मीडिया या कार्यकर्ताओं से बात करते हुए आपने ये बात समझाई कि नेता बनना आसान है पर कार्यकर्ता बनना और भूख को एक्टिव करना? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, 50 साल तक अमेठी में मिल्कियत रही एक खानदान की, और उसका परिणाम ये कि 2014 से पहले अमेठी में 80% घरों में बिजली नहीं थी। आलम यह था कि 80% घरों में शौचालय नहीं था। आलम यह था कि अमेठी में कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं था। आलम ये कि राहुल गांधी विश्व का भ्रमण करते और अमेठी का पहला पासपोर्ट केंद्र नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज ने बनाया। और इसी के कारण आज स्थिति ये है कि जो गांधी खानदान का गढ़ रहता था, विधानसभा के चुनाव में 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त